और इस बीच बड़ी खबर उत्तराखंड के सितारगंज से मिल रही है, जहां पर ट्रक और बस के बीच में भीषण टक्कर हुई है। स्कूल बस और ट्रक की इस जोरदार भिड़ंत में बस पलट चुकी है और इस भीषण हादसे में टीचर समेत दो बच्चों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। बता दें कि 10 विद्यार्थी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में छात्राओं का उपचार लगातार जारी है और अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। तो इस बीच बड़ी खबर उत्तराखंड के सितारगंज से मिल रही है, जहां पर ट्रक और बस के बीच में जोरदार और भीषण टक्कर हुई है और इस भीषण टक्कर में बस और ट्रक के बीच में इस जोरदार भिड़ंत में दो की मौत हो चुकी है, टीचर भी उसमें शामिल है। 10 विद्यार्थी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया है। लगातार छात्राओं का उपचार जारी है। बता दें कि अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, देखिए किस प्रकार से अफरा तफरी हॉस्पिटल में मची हुई है। एक टीचर समेत दो बच्चों की मौत की खबर भी सामने आई है। बता दें कि इस भीषण टक्कर में टीचर समेत दो बच्चों की मौत की खबर भी सामने आई है। 10 विद्यार्थी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और सभी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार जारी है। अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, देखिए किस प्रकार से छात्रा घायल हुई है और सभी घायलों को उपचार हेतु हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है और इस बीच में हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल है। और इस खबर पर अधिक जानकारी देंगे हमारे संवाददाता जफर अंसारी, हमारे साथ पर जुड़ गए हैं। जफर, बस और ट्रक की जो जोरदार भिड़ंत हुई है उसमें एक टीचर समेत दो लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है, क्या कुछ अपडेट है जफर? बताने चाहूंगा जी, नानक मत्ता जो कि एक पर्यटन स्थल माना जाता है और सिखों का एक गुरुद्वारा भी वहाँ सितारगंज के समीप करीब 10 किलोमीटर के दायरे में है। वहाँ पर ये शिक्षा के बच्चे जो कि मनाने आए थे आज 14 नवंबर बाल दिवस के दिन, लौटते समय बस जो है अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और उसके बाद सामने से आकर ट्रक से जा टकराई, जिसमें काफी हद तक नुकसान हुआ जी बिल्कुल। लेकिन जफर, ट्रक और बस की इस जोरदार भिड़ंत में एक टीचर समेत दो लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है, इस मामले में जो अस्पताल का प्रबंधन है और जो स्कूल का प्रबंधन है उनका क्या कुछ कहना है? जी मैं बताना चाहूंगा मनीष, जो एक टीचर मौके पर जिनकी डेथ हो गई है और एक जी बच्ची है 14 साल की जी, कक्षा 6 की छात्रा है जी, उसकी मौत की खबर सामने आई है और लगातार जो टोटल है जो गंभीर रूप से घायल है उनको हायर सेंटर रेफर भी किया जा रहा है। और कितने लोग घायल हुए हैं जफर, कितने लोग घायल हुए हैं इस भीषण हादसे में? जी लगभग मनीष इसमें 2 दर्जन से अधिक 26 से 28 बच्चों की इस समय गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिल रही है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए जफर आपका बहुत शुक्रिया। तो इस बीच बड़ी खबर उत्तराखंड के सितारगंज से मिल रही है, जहां पर ट्रक और बस के बीच में जोरदार भिड़ंत हुई है, टक्कर हुई है और इस जोरदार टक्कर में बस पलट चुकी है। इस हादसे में टीचर समेत दो की मौत की खबर भी सामने आई है। लगभग 2 दर्जन से अधिक विद्यार्थी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती करवाया है।